हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है एंगुलर मेजरमेंट, जिसका आज मैं नेक्स्ट टॉपिक समझाने वाला हूं, स्पिरिट लेवल। यदि फ्रेंड्स आप स्पिरिट लेवल का क्या यूज है या किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है विथ एनिमेशन समझना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट से रिलेटेड और भी वीडियो में डाल चुका हूं, वह आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियो की लिंक दे रखी है। एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है EMMP मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट के नाम से, उसमें भी जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको सामने लिखा दिख रहा है एक टॉपिक स्पिरिट लेवल, नीचे एक डेफिनेशन लिखी और डायग्राम बना। इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको सब ध्यान से सुनना है और समझना है। तो स्टार्टिंग करते हैं फ्रेंड्स इसके टॉपिक से। यहाँ पर लिखा है स्पिरिट लेवल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्पिरिट लेवल लिखा है यह एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, लेकिन इसको डिफाइन करता है इसका दूसरा वर्ड, जो वर्ड लिखा हुआ है लेवल। इस लेवल को हमें समझना होगा, लेवल का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुने फ्रेंड्स, अगर हम मैकेनिकल के पार्ट्स की बात करें, इसकी अगर हम मैकेनिकल के पार्ट्स की बात करें तो उसकी जो फ्लैटनेस रहती है, जो सरफेस रहती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स की, उसकी फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं। या फिर छोटे मोटे एंगल होते हैं, फाइन एंगल बोलते हैं इनको, कि थोड़ा सा भी उसमें जो सरफेस में टिल्ट है, एंगल कोई छोटा मोटा दिख रहा है, तो उसको भी हमें मेजर करने के लिए स्पिरिट लेवल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सिविल की बात करें, सिविल में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, जो भी दीवारें वगैरह उसमें उठती हैं, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह उठती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लेवल चेक करते हैं उसमें, जो दीवारों का, जो भी हमारी छत वगैरह डलती है उसका लेवल चेक करना, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी लेवल को चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल का यूज करते हैं या फिर कर सकते हैं। तो फ्रेंड समझ में आया होगा स्पिरिट लेवल का यूज क्या होता है। अब स्पिरिट लेवल होती है फ्रेंड्स ये किस प्रकार की होती है, तो फ्रेंड्स यह होती है कांच की बनी हुई ट्यूब होती है, उसके अंदर कोई एल्कोहल भरा रहता है या वाटर भी भर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, कि एयर का बुलबुला होता है, वह एयर का बुलबुला होता है, उसकी सहायता से हम किसी की फ्लैटनेस या किसी की लेवलिंग कर सकते हैं। इस ट्यूब में क्या होता है, बीच में जीरो अंकित रहता है और लेफ्ट एंड राइट में क्या होता है, कुछ मार्क अंकित रहते हैं। जब जो बुलबुला है इधर उधर जाएगा, जब लेवलिंग चेक करेंगे तो वहां से उसकी डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन मैंने लिख भी दिया, आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट यहां पर बना हुआ है, इसकी सहायता से हम कैसे मेजर करेंगे और कैसा इसका एनिमेशन डायग्राम होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये वाला डायग्राम बनाना जरूरी है और सब कुछ यहाँ पर जो लिखा है उसको समझाना भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो डायग्राम बने हुए दिख रहे होंगे, ये जो राइट साइड का डायग्राम है एक एनिमेशन डायग्राम है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं किस तरह का हमारा स्पिरिट लेवल होता है। इधर का डायग्राम है फ्रेंड्स जो लेफ्ट साइड का, वह एक एग्जाम के पर्पस से कि जब एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। तो दोनों को वन बाई वन समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड समझते हैं इसका एनिमेशन डायग्राम। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ऊपर वाला, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम सिविल में कंस्ट्रक्शन वर्क में लेवलिंग चेक कर सकते हैं और मैकेनिकल के पार्ट्सों की किस सरफेस की फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। बीच में इस तरह देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो कट है, यहाँ पर एक ट्यूब लगी जाती है और इधर भी लग सकती है, ठीक है। अभी एक्चुअल में देखें तो यही ट्यूब कहती है, जो बेस दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक रहता है, इसको हम बड़ा करके दिखाएं तो इस तरह का बेस होता है जहां पर ये फिट रहती है और बीच में क्या रहता है, जीरो रहता है, ये दिख रहा होगा जीरो। अब मार्क अगर इसके अंकित करके दिखाऊंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीच में जीरो रहता है और बबल रहता है हमारा, इधर उधर क्या होते हैं 1 2 3 इस तरह क्या होते हैं मार्क अंकित रहते हैं। इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम फ्लैटनेस चेक करते हैं या फिर एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। सबसे पहले मैं एनिमेशन से ही समझा रहा हूं कि अगर हम इस ट्यूब को किसी दीवार पर रख देते हैं, किसी हमारी छत पर रख देते हैं या किसी मैकेनिकल के पार्ट्स पर रख देते हैं, अगर उसके फ्लैटनेस सही होगी तो ये जीरो कहाँ रहती, बीच में रहती है, याद रखें जीरो कहाँ रहती है, बीच में रहती, सेंटर पर रहती है, जो हमारी जीरो वाली लाइन मार्क रहती है। लेकिन अगर फ्लैटनेस सही नहीं है, ठीक है, या फ्लैट नहीं है वो, या लेवलिंग सही नहीं है, तो जीरो इधर उधर भागती है, या तो लेफ्ट में जाएगी या फिर राइट में जाएगी जिधर फ्लैट ज्यादा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वह जब इधर उधर जाती है तो उससे हमें क्या पता पड़ता है, फ्लैटनेस सही नहीं है। अगर हम सिविल की बात करें तो हम क्या करते हैं,
कि जैसे ही हमें दिखता है जीरो इधर उधर इधर उधर जाती है, तो हम उसको सीमेंट वगैरह से क्या करते हैं, फिर से लेवल मिलाते हैं और ठोक पीट के क्या करते हैं, फिर से सही करते हैं और बार बार चेक करते हैं क्या इस स्पिरिट लेवल से, जब तक कि वह पूरी तरह लेवल में ना आ जाए। और लेवल में कब पता पड़ता है, जब ये जीरो सेंटर में आ जाए। इसी तरह मैकेनिकल के पार्ट्स में भी हम फ्लैटनेस सरफेस की या छोटा मोटा एंगल चेक कर सकते हैं, किसकी सहायता से, इस जीरो की सहायता से, वह कितनी फ्लैट है, कितने एंगल से झुकी हुई है, एक बबल से पता पड़ जाता है। जब इसको हम रख देंगे मैकेनिकल के पार्ट्स के सरफेस के ऊपर, तो बबल इधर उधर जाएगा और ये स्केल दिख रही है, यहाँ स्केल पे क्या होगा, जब इधर उधर जाएगा तो उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान समझे, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये इस डायग्राम समझे, जैसे मैंने मान लिया बीच में जीरो था, ये इधर उधर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं उसके बीच की जीरो से वो उधर की क्या डिस्टेंस, एल डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कितनी है, और जो इसकी यहाँ से नीचे सेंटर से और जो इसका कर्व रहता, थोड़ी सी क्या होती है ट्यूब झुकी भी रहती है, ठीक है, झुकी रहती है, तो उसकी रेडियस क्या माने मान ली, आर मान ली। तो अगर हमें इसका थीटा निकालना हुआ है तो क्या होता है, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर, क्या होता है, थीटा इजकल टू जो एल होता है इसकी हम रीडिंग मेजर करेंगे, बटे होता है इसका कर्वेचर, तो इसको याद रखें, थीटा अगर मेजर करना है तो एल बटे आर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा तो ऐसे डायरेक्ट समझ लें, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इतना हमें समझ में नहीं आ रहा है आपको फ्रेंड्स, तो आपको ये डायग्राम एग्जाम में जरूर बनाना है, ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है उसको भी आपको लिखना है एग्जाम में, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हो आपको नॉर्मली ऊपर वाला डायग्राम बनाना है जिसमें लिखा है एयर बबल्स, एक ट्यूब दिख रही झुकी हुई, थोड़ी सी ट्यूब रहती है जो मैंने आर रेडियस कर्वेचर बताया, ठीक है, इसमें कोई एल्कोहल भरा है या कोई वाटर भरा है, बीच में क्या है, यहाँ पर एयर का बबल है, जो भी वही भी आपको दिखाना है और लिखना है, ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख दिया मैंने, ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है। अब इसका मैंने बताया इसको कहाँ, एक जो नीचे जहां पर फिट रहती उसे क्या बोलते हैं, बेस, इसलिए इसका एक और यहाँ पर व्यू दिखाया गया, इसको क्या बोलते हैं, बेस, जिस पर ये फिट रहती है। यहाँ पर कुछ देखो आपको जिस तरह की यहाँ पर अंकित दिखाए, ये जो हमारे मार्क है वो यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की, बीच में जीरो, ठीक है, इतना भी समझ में आपको आया हुआ। तो हमने जैसा बताया इसको कहाँ उठा के रखते हैं, जिसके जिस भी पार्ट्स की सरफेस की लेवलिंग चेक करना है, फ्लैटनेस चेक करना है, उस पर रख देते हैं, किसी एंगल को चेक करना है, ठीक है। फ्लैटनेस तो आपको दिख जाती है कैसे, जैसे मैंने बताया अगर ये जीरो क्या होगा, इधर जाएगी या उधर जाएगी, तो फ्लैटनेस नॉर्मल दिख जाती है, उसको सही करके हम फिर से चेक करके जब तक ये जीरो ना आ जाए जब तक उसको सही करते रहते हैं। जैसे जीरो बीच में आ जाता हम समझ लेते हैं हमारा फ्लैट सही है, ठीक है, या फिर किसी भी की लेवलिंग सही है। अगर एंगल मेजर करना है तो हम इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब बबल इधर उधर जाएगा तो इस जीरो से वहां तक की क्या कर लेंगे, एल जो भी मार्क रहते हैं इनसे हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, उसको मानते हैं हम एल, और इसकी कर्वेचर को क्या मानते हैं हम आर मानते हैं, क्या मानते हैं आर। तो हम क्या करेंगे, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर रख के हम इसके थीटा फाइंड कर लेंगे। लेकिन फ्लैटनेस चेक करने का मतलब हमने बता दिया, नॉर्मल हम लेवलिंग करके इससे बार बार चेक करके उसको फ्लैट लाते हैं, और फिर जैसे ही जीरो बीच में आ जाती है हम समझ लेते हैं वहां फ्लैट हो गया या फिर लेवल में आ गया। सिविल में ये वाला बार का आपने अच्छी तरह कई बार देखा होगा, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता रहता है, उनके पास इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह का, और वो रख रख के क्या करते हैं बार बार चेक करते हैं, और सीमेंट वगैरह रहती है जो भी ईंट वगैरह रहती है उनको ठोक पीट के सही करते हैं, फिर से इसको रखते हैं, जैसे ही वो देख लेते हैं जीरो बीच में आ गया उनकी लेवलिंग सही हो जाती है। अब फ्रेंड्स इसकी हम बात करते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशन है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एप्लीकेशन लिखी हुई है, जैसे पहले में लिखा हुआ है, जब हम किसी मशीन को इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो फाउंडेशन बनाया जाता है उसके लिए, उसका लेवल चेक करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का यूज कर सकते हैं। द फ्लैटनेस ऑफ एनी सरफेस कैन बी चेक्ड विद द हेल्प, मतलब किसी भी मैकेनिकल पार्ट्स की और किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्लैटनेस चेक करना हो तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। इफ द स्पिरिट लेवल इज प्रॉपरली कैलिब्रेटेड देन द दिस एंगुलर मेजरमेंट कैन बी मेड विद हाई प्रिसीजन, ठीक है, इसका जो भी हमने कहा कैलिब्रेटेड कर लेते सही से, जब किसी भी एंगल को मेजर करना हो इसकी सहायता से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस द परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस कैन बी चेक्ड रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहने का मतलब ये, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस होती है उनकी सही से प्रॉपर चेक करना है कि वह सही 90 डिग्री पे फिक्स है कि नहीं, उसको भी इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी एप्लीकेशन भी समझ में आई होंगी, क्योंकि ये भी कई बार लिखने को आ चुके हैं एग्जाम में, तो आप इनको भी लिख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, MPMM है, जैसे IE है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, EMMP जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनके मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ, आप देखना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं।
जैसे ये सब्जेक्ट है ईएमएमपी या फिर मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इससे रिलेटेड सभी वीडियो की लिंक देता हूँ, तो वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम आती को समझ नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।